आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, इस प्रश्न में द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r एक समान गोला आनत समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है। प्रारंभिक क्षण पर संपर्क बिंदु के सापेक्ष गोले के कोणीय संवेग की समय पर निर्भरता ज्ञात कीजिए। यदि आनत समतल पूर्ण रूप से चिकना हो तब परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ता है? आनत समतल का झुकाव कोण थीटा आपको दिया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इस गोले पर जितने भी बल कार्यरत हैं वो सारे बल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं mg बल, जो गोले के द्रव्यमान केंद्र से कहां लगता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये मैंने कौन सा बल बना दिया? ये मैंने बल बना दिया mg, ठीक है। एक आपका होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो कहां लगेगा? गोले और आनत तल के संपर्क बिंदु के लंबवत बाहर की तरफ द्रव्यमान केंद्र से पास होता हुआ हम क्या बनाएंगे? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये मैंने कौन सा बल बना दिया? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। एक बल घर्षण बल, जिसकी दिशा कहाँ होगी? जिसकी दिशा होगी आपका जो गोला है उसकी आनत तल के सापेक्ष जो वेग की दिशा है, जो वेग की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में आप लोग घर्षण बल बनाएंगे, जो चित्र में बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आनत तल की लंबाई की जो दिशा है ना उसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। तो उसके लंबवत मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल की जो दिशा है वो आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी? अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये कौन सा एक्सिस हो जाएगी आपके पास में? वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो बल, जैसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो वाई एक्सिस में, घटक करने की जरूरत नहीं है। घर्षण बल जो है वो एक्स एक्सिस में, उसके भी घटक करने की जरूरत नहीं। तो किसके घटक हो जाएंगे? mg के। तो mg के घटक करने के लिए मैं एक काम करता हूं कि ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये इस तरीके से मैं इसको पूरा कर देता हूं। तो ये समकोण त्रिभुज कौन सा हुआ? ए बी सी, जिसमें ये कोण निश्चित रूप से आपका 90 है। तो आपका सी जो कोण होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये जो आनत तल की लंबाई है और ये जो mg sin theta जो आपको चित्र में बना के दिया हुआ है एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यह कोण भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब mg sin theta और y एक्सिस के बीच में कोण कितने डिग्री का है? 90। तो अगर ये वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा है तो ये वाला हो जाएगा आपका थीटा, ओके। चलिए अब कंपोनेंट y एक्सिस में mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos theta और एक्स एक्सिस में घटक आ जाएगा mg sin theta जो चित्र में दिया हुआ है। अब हमें प्रारंभ में जो स्पर्श बिंदु था उसके सापेक्ष मुझे कोणीय संवेग चाहिए। तो मैंने ये बिंदु मार्क कर दिया है, ये बिंदु जिसको मैं P बिंदु कह रहा हूं, मान लिया गया है कि प्रारंभ में ये स्पर्श बिंदु था, ठीक है ना। तो हमें इसके सापेक्ष कोणीय संवेग की गणना करनी है, ठीक है ना। तो हमने ये एक स्थिति सदिश बना दिया है आर, ठीक है, ये आपका आर। चले अब कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है? अगर मुझे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध पूछा जाए तो क्या होगा? जे अंतिम माइनस जे प्रारंभिक हमेशा किसके बराबर होगा? बल आघूर्ण इंटू डीटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब प्रारंभ में अगर कोणीय संवेग शून्य है तो क्या सूत्र बन जाएगा? जे बराबर समाकलन बल आघूर्ण इंटू टीटी, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आपके पास में घर्षण बल जो है वो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा बिंदु P के सापेक्ष, क्योंकि घर्षण बल बिंदु P से होकर गुजरता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करेगा। अच्छा,
अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा क्या होगी, वो हम कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे हम आर क्रॉस एफ से। ठीक है, तो ये रहा आपका आर, ये रहा आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो मुझे लगता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो बल आघूर्ण आएगा वो आएगा दक्षिणावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में आएगा? दक्षिणावर्त। ठीक है, इसी तरीके से आपके एम जी साइन थीटा का, देखिए एम जी साइन थीटा का अगर आपको, पहले हम एम जी कॉस थीटा का देख लेते हैं। एम जी कॉस थीटा का अगर आपको बल आघूर्ण पूछा जाए तो ये देखिए, ये रहा आर, ये रहा बल, इस तरीके से आर क्रॉस एफ करने पर। ठीक है, तो उसका जो प्रभाव होगा एम जी साइन थीटा के बल आघूर्ण का जो प्रभाव होगा वो कहाँ होगा? वो होगा वामावर्त दिशा में। ठीक है, अब रह गया हमारा कौन सा बल? हमारा बल रह गया एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, एम जी कॉस थीटा, ये वाला। ठीक है, और इसके लिए देखिए ये आ रहा है, थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, ये आ रहा है, ये एफ है, इस तरीके से ये बना आपके बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण का प्रभाव की दिशा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो ये कौन सी दिशा होगी? ये आपके पास में होगी वामावर्त। तो एम जी कॉस थीटा के कारण जो बल आघूर्ण है उसका प्रभाव कौन सी दिशा में होगा? वामावर्त दिशा में। अब हम एक चिन्ह ले लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, वामावर्त दिशा में जो आपका बल आघूर्ण है उसको हम धनात्मक ले लेते हैं, और जो दक्षिणावर्त दिशा में जो आपका बल आघूर्ण है वो हम ऋणात्मक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जे बराबर, सबसे पहले मैं बल आघूर्ण लिख रहा हूं एम जी साइन थीटा का, तो एम जी साइन थीटा लिखा, ये तो सिर्फ बल लिखा है। अब हमें क्या निकालने पड़ेगी, ये जो भी बल है उसके दिए गए बिंदु से लंबवत दूरी। तो अगर हम चित्र में देखें तो एम जी साइन थीटा जो बल आ रहा है आपका, उसकी बिंदु P से जो लंबवत दूरी है वो हमेशा निश्चित रहेगी। कितनी रहेगी मैं चित्र में बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। ये जो दूरी है R, गोले की त्रिज्या, जो कभी भी समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। क्या लिखा ये मैंने, एम जी साइन थीटा जो बल है उसकी बिंदु P से लंबवत दूरी। तो यहां पे आपका आ जाएगा, यहां पे हम लोग लिख देंगे आर डी टी। ठीक है, ये मैंने प्लस का लिखा क्योंकि उसका बल आघूर्ण का प्रभाव कहां है? वामावर्त। इसी तरीके से एम जी कॉस थीटा का जो बल आघूर्ण है वो भी वामावर्त है, तो यहां आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ये मैंने बल लिखा, बल इंटू क्या होता है, दिए गए बिंदु से लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो लंबवत दूरी एम जी कॉस थीटा, अब मैं दोनों इसमें एक साथ बता देता हूं क्योंकि हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल का भी बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो एम जी कॉस थीटा कहा जाए या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहा जाए, दोनों की ही बिंदु पी से जो लंबवत दूरी आएगी वो आर से प्रदर्शित करेंगे और दोनों के लिए समान होगी और समय के साथ लगातार परिवर्तित होती रहेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा इंटू आर इंटू डी टी। हाँ, अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो बल आघूर्ण है वो दक्षिणावर्त दिशा में, इसलिए इसको मैंने ऋणात्मक चिन्ह से लिखा। एन बिंदु पी से लंबवत दूरी आर डी टी। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये जो बल आघूर्ण है, एम जी कॉस थीटा का बल आघूर्ण है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आघूर्ण है, जो परिमाण में तो समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, ये निरस्त हो गए। तो अब सिर्फ एक ही आपके पास में बल आघूर्ण बचेगा, किसका बचेगा, एम जी साइन थीटा का। अच्छा, एम जी साइन थीटा भी नियत है, समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा। आपका जो आर है वो भी नियत है और ये रह जाएगा समाकलन डी टी, जिसका उत्तर आ जाएगा कोणीय संवेग बिंदु पी के सापेक्ष एम जी
साइन थीटा आर इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से बिंदु पी के सापेक्ष जो बल आघूर्ण है, सॉरी कोणीय संवेग है, वो समय पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर आपका आनत तल चिकना है तो भी आपके कोणीय संवेग बिंदु पी के सापेक्ष कितना रहेगा, जे बराबर एम जी साइन थीटा, यही रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपका आनत तल चिकना है तो आपकी जो गोला है वो फिसलेगा, लोट स्थानांतरण गति करेगा, लोटनी गति या घूर्णन गति नहीं करेगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।